आइए आज हम बनाते हैं मलाई वाला सूजी का हलवा, वो भी चूल्हे पर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये सूजी मंगा कर रखी हुई है और इसको मैं पहले छलनी से सूजी को मैं इस छलनी से छान के और इसमें कढ़ाई में डाल लूँगी। और क्योंकि वैसे तो ये साफ़ ही है, लेकिन क्या पता भाई इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, क्या पता कोई हो तो वो उसमें ना जाने पाए, छलनी में ही अलग रह जाए। और इसमें है घी, देसी घी जो मैं यूज़ करूँगी। और ये मैंने निकाली हुई है ताज़ा मलाई, क्योंकि मैं मलाई वाला सूजी का हलवा बना रही हूँ तो मलाई तो ज़रूरी है। तो ये मलाई है, इसमें मेरे पास चीनी है और पानी अभी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी इसमें मैं गर्म डालूंगी। ये मैं इसको इसमें छान देती हूँ। और इसको मैं चलाती रहूंगी और भून लूंगी सूजी को। मैं बिना घी डाले अब घी सूजी को भूनूंगी, क्योंकि घी डालने के बाद सूजी भूनने में ज़्यादा टाइम ले लेती है, इसलिए मैं इसको पहले भूनूंगी। और जब ये भूनने लग जाएगी तो मैं इसमें घी डाल लूंगी। अभी मेरी सूजी भून चुकी है और ये ब्राउन रंग की हो चुकी है, हल्का हल्का रेड पे लाल लाल होने लग रही है। और अभी मैं इसमें डालूंगी मलाई। मलाई बिल्कुल ताज़ा होनी चाहिए। मलाई डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाता है और बिल्कुल ऐसा टेस्ट आने लग जाता है जैसे इसमें खोआ मिक्स किया हुआ हो। ये देखिए, ये मलाई डालते ही तो पहले थोड़ा टाइट टाइट हो जाएगी, लेकिन बाद में गर्म होके ये पिघलना शुरू होगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, पर इसमें इसको चलाते रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। अभी मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी मैं इसमें घी को अच्छे से मिला रही हूँ, इसको हिलाते रहना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी गाँठ पड़ने लग जाती हैं, इसलिए इसको चलाते रहो जब तक ये घी और मलाई इसमें अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। ये देखिए, अब बिल्कुल मेरी ये सूजी जो है वो तैयार हो गई है। और अभी इसमें घी पिघलना थोड़ा सा बाकी है और जब ये अच्छी तरह से घी को छोड़ने लग जाएगी ना तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। और चूल्हे पे बनी हुई चीज़ तो अपने आप में बहुत ही खुद ही स्वादिष्ट होती है, क्योंकि चूल्हे पे जो स्वाद है वो दोगुना बढ़ जाता है। अभी मेरी सूजी में घी छोड़ दिया है तो ये अब बिल्कुल तैयार है। मैं इसमें भी पानी डाल दूँगी। पानी को मैंने गरम कर रखा है और मैं इसमें गरम पानी ऐड करूँ। अभी मैं इसमें चीनी मिला रही हूँ मीठे के लिए, वो आप अपने स्वाद के अनुसार देख सकते हैं, आप मीठा ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं। और अब मैं इसको ऐसे चलाती रहूँगी, चीनी पिघलेगी तब तक इसको चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया ना, नहीं तो इसमें गाँठे पड़ जाएंगी। इसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से चलाते रहना बहुत जरूरी है। और ये देखिए, हमने इसमें जो मलाई डाली थी ना उसकी वजह से ये हमारे कढ़ाई पे सफ़ेद सफ़ेद परत सी जम रही है, जैसे कि खोआ निकालते टाइम दूध की जमती है ना, उसी तरह से। इसमें सूजी वाले हलवे में जो ये मलाई मिलाते हैं ना, ये बिल्कुल खोए का काम करती है। और आप इसके खाते देखोगे ना
तो ऐसा महसूस होगा जैसे कि इसमें खोआ मिलाया हुआ है। ये मेरा हलवा हो गया है तैयार, मलाई वाला सूजी का हलवा, और मैंने ये गाय के लिए निकाल दिया है। अब हलवे को उतार करके और मैं यहाँ पे रोटी बनाऊंगी, और पहली रोटी गाय की रख के और उसमें ही हलवा रख के मैं गाय को खिला के आऊँगी, और फिर बाद में घर वालों को मैं खाना परोसूंगी। मेरा हलवा तैयार हो गया है, आप लोग भी खा लीजिए। और हाँ, एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर करना जैसे मैंने बताया है, और फिर बताना मुझे कि आपका हलवा कैसा बना।